रनिंग हम करते हैं तो एक बात को ध्यान में रखते हुए रनिंग नहीं करते, फिजिकल करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम गए दौड़ने लगे, दौड़े जब मन किया दौड़े, तब जो मन किया सो करें, वैसा नहीं। मतलब रनिंग जो है साइंस से रिलेटिव करके ले, तुम कैसे उसको डेवलप कर सकते हो उस चीज को सोचो। ऐसा नहीं कि हम सुबह में उठे आंख मिचते गए दौड़ना स्टार्ट किए, जो मन हुआ सो किए, उसके बाद में चले, नहीं। आप क्रम वाइज होना चाहिए, जाए तो क्या करे कैसे करे ये होना चाहिए, आपका रनिंग का एक रूटीन होना चाहिए। रनिंग करते हैं तो रनिंग ये नहीं कि रोज हम 1600 मीटर मारे 1600 मीटर मारे, नहीं, आपको उसमें टोटल आपका अलग अलग होना चाहिए। 6 दिन आप लोग फिजिकल करते हैं, 1 दिन रेस्ट है, तो 6 दिन में आपका सबका अलग अलग है, अलग अलग रनिंग है, अलग अलग एक्सरसाइज है। ऐसा नहीं है कि रोज एक ही एक्सरसाइज हो और रोज एक ही रनिंग हो, इससे रनिंग का स्टेमिना स्पीड नहीं आती है। हम कुछ चेंज कर करके एक्सरसाइज करते हैं, कुछ चेंज करके रनिंग करते हैं, इससे क्या होगा। मान लो कि हमारा लिए फास्ट रनिंग है, कुछ दिन फास्ट वर्कआउट, जिस दिन स्लो रनिंग है कुछ दिन स्लो वर्कआउट, जिस दिन रेस्ट है रेस्ट में भी उस दिन योगा हम कराते हैं और बताते हैं। जैसे आज संडे है तो आज बता रहे हैं कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, डाइट प्लान, ये सब चीज आपको संडे को मिलता है। तो रनिंग करते समय हम कुछ बातों को ध्यान देंगे। अच्छा एथलीट वही बनता है, अच्छा रनर वही बनता है जो छोटी छोटी बातों को फॉलो करे, छोटी छोटी त्रुटि को अपना देखे। देखिए जिसमें हम व्यायाम करते हैं, जिसमें रनिंग करते हैं तो हमको फायदा करता है, ठीक है, लेकिन वही एक्सरसाइज आपको हानि भी करती है। तो आप पूछेगा हानि सब कैसे करती है। देखिएगा कोई लड़का है जो फिजिकल कर रहा है तो पूरा फिट है, लेकिन फिजिकल के दौरान उल्टा सीधा एक्सरसाइज कर ले रहा है, उल्टा सीधा रनिंग मार दे रहा है, कौन क्या है करने के समय में उल्टा सीधा कर दे रहा है, जिसको उसको मेडिकल अनफिट हो जाता है। किसी को भेन नहीं है, भेन प्रॉब्लम हो गया, किसी को यहां पे दोनों बराबर है लेकिन एक्सरसाइज करने पर थोड़ा टिप्पण हो गया, पोस्चर ठीक है एक्सरसाइज करने का पोस्चर गड़बड़ा गया, इंटरनल कुछ पार्ट ठीक है लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद वो गड़बड़ा गया, कारण क्या है। आप इसका मतलब सही एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अपने बॉडी को जैसा तुम्हारा बॉडी है उस टाइप में नहीं करते हैं, खान पान सही नहीं है, कुछ ना कुछ कमी है आप में। एक्सरसाइज भी कीजिए तो आप लोग क्रम वाइज कीजिए और सही दिशा में कीजिए, ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा एक्सरसाइज कर दो तो बस हो जाएगी। हाँ एक चीज छूट गया, 11 नंबर की चलो हम रनिंग करेंगे तो कुछ बातों को ध्यान रखेंगे। क्या है वाला क्या है, हम रनिंग करें रनिंग के पहले हम क्या करें, दूसरा क्या है कैसे दौड़े, ठीक है, तीसरा क्या है रनिंग के बाद में क्या करें, चौथा क्या है डाइट प्लान डाइट कैसे ले, पांचवा क्या है मूवमेंट पोजीशन।
हम जब दौड़ते हैं तो कैसे हम अपना बॉडी को मूवमेंट, कैसे बॉडी को मूवमेंट करें, कैसे हाथ को रखें, कैसे पैर को चलाएं, कैसे स्टेप रखें, कैसे पैर को लैंडिंग करें, ये सब मूवमेंट हो गया, अपोजिशन हो गया। नेक्स्ट है प्रॉपर रेस्ट। हम लोग रेस्ट कैसे लें? नेक्स्ट है रेगुलर। रेगुलर हम लोग नियमित कैसे हो? ठीक है, सांस को कैसे ले? नवा है स्लीप, कितना देर सोए? दसवा पेन क्यों होता है? पेन के बारे में बताएंगे क्यों होता है, उसका सभी बचाव क्या है। और ग्यारहवा है किट, मतलब हम लोग किट कौन सा पहने, जूता कैसा होना चाहिए, मतलब पोशाक मेरा कैसा होना चाहिए, तो कि हमको रनिंग आपको किट पर भी असर करता है। मान लो कि जूता है, जूता हम ले लिए और जूता में मतलब आपका स्पंज नहीं है, जंपिंग नहीं है, जूता का कोर ऐसे मुड़ा नहीं है और वही जूता पेन से कर रहा है, तो पेन स्टार्ट हो जाएगा, रनिंग अच्छा नहीं होगा, स्पीड नहीं खुलेगा। तो ये सब आपको फॉलो करना होगा, तब आपका रनिंग सुधरेगा, तब आप कुछ चीज में अच्छा करेंगे। हाई जंप हो गया, गोला हो गया, बीम हो गया आर्मी वाले के लिए, लॉन्ग जंप हो गया, बैलेंस हो गया, रनिंग हो गया। और आप लोग एक और बात सुन लीजिए, सभी लोग जब हम जिस दिन आपको टाइमिंग बना रहे हैं, सब लोग अपना एक पन्ना रखिए, आपका टाइमिंग कितना आ रहा है। मान लीजिए कि चार किसी को 48 आया, तो वो जाके 4:48 लिखेगा, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट टाइमिंग जब बना रहे हैं तो इसको 4:48 से 4 कम 47 जरूर होना चाहिए। यदि 49 हो जा रहा है तो वो हमसे कहे कि सर आज ज्यादा लग गया टाइमिंग। आपको क्यों ज्यादा लगा उस पर हम ध्यान देंगे, कारण क्या है? क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा चीज है कि जो हम एक्सरसाइज कराते हैं तो हो सके उसको वो चीज अच्छा नहीं, मतलब उसके शरीर में सूट नहीं करता। बहुत लोगों को है जिसको हम जो डाइट बताए हैं वो सही नहीं, क्योंकि सब इंसान, अधिकतर इंसान एक जैसा होता है, लेकिन कुछ कोई कोई लड़का ऐसा होता है जो लोगों से हटके होता है। बहुत जैसे बहुत एक लड़का आया तो बोला कि सर हमको चना नहीं पचता है, चना नहीं पचता है। तो कहने का मतलब उसको चना नहीं पचता है, तो पचाने की विधि बताएंगे पहले हम, कि ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे करो तो चना पचेगा। और यदि उसको चना उसके बाद भी नहीं पच रहा है तो चना खाना उसके लिए सही नहीं है, चना वो छोड़। समझ में आ रहा? कहने का मतलब है कि जो चीज उसमें सूट करेगा वही उसके लिए बेस्ट है। ऐसा नहीं कि हम बोल दिए कि सर आपको बोले हैं चना खाने के लिए तो चना खाएंगे, भले पेट खराब क्यों ना, तो ऐसा चीज नहीं करना है। आपको डाइट प्लान भी बताया जा रहा है, तो यदि आपको सूट नहीं करना है तो आप हमको एक दिन संडे को बोलिए कि सर वो हम खा रहे हैं तो, लेकिन हमको कोई इंक्रीज नहीं आ रही, कोई हमको इससे फायदा नहीं लग रहा। इससे क्या होगा कि हम आपका डाइट प्लान चेंज करेंगे, क्योंकि हर ऐसा इंसान नहीं होता है कि हर इंसान में हर चीज सूट कर दे। बहुत ऐसा इंसान है जो दही खाएगा तो उसको हानि करता है, और बहुत इंसान है जो दही खाएगा तो उसको बहुत ज्यादा फायदा करता है। तो आपको शरीर के अनुसार खाना भी होना चाहिए, ठीक है। वीडियो के पहले क्या करें, ठीक है, पहला रनिंग के पहले क्या करें, जब ये हम सुबह शुरू से बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा वीडियो में हम थोड़ा सा रनिंग के पहले क्या करें, तो रनिंग के हम लोग जब सुबह में आते हैं उसके पहले क्या घर से आते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, सुबह में उठेंगे, ठीक है, सुबह में आते हैं, ठीक है। तो सो के जब हम उठेंगे तो सो के उठने के बाद
हम सबसे पहले क्या करेंगे, पानी को गर्म करेंगे, क्या करेंगे पानी को गर्म करेंगे। हल्का सुसुम हो जाने के बाद एक से दो गिलास पानी को पिएंगे, ठीक है। सुसुम होने के बाद एक से दो गिलास पानी को पिएंगे, चार पांच कदम घूमेंगे। अब पानी को कैसे पिएंगे ये भी बताएं जी। पानी को आराम से ऐसे बैठ जाएंगे, ठीक है, इसको मलासन कहते हैं। इसको कौन सा आसन कहते हैं? मलासन कहते हैं। आराम से बैठ के ऐसे धीरे धीरे पानी को पिएंगे। पीते वक्त सिसिक की आवाज आनी चाहिए, जैसे चाय पीते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारे माउथ फिर मुंह में क्या होता है, एक लार होता है, ठीक है, वो मिलकर पूरा जाती है। और सुबह में हम जो हम बिना कुल्ला किए हुए पिएंगे, इतना बात ध्यान रखेंगे, सुबह उठेंगे तो बिना कुल्ला किए हुए उस पानी को पिएंगे और सिसक के पिएंगे। उसके बाद में दो चार कदम घूमने के बाद हम सोच जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में यहां से प्रेस करेंगे। यदि किसी को सांस ज्यादा फूलती होगी, किसी को सांस ज्यादा फूलती होगी तो उसमें दो चम्मच क्या करेंगे, शहद डाल देंगे। क्या कर लेंगे? दो चम्मच शहद डाल देंगे, ठीक है, हाँ, सुसुम पानी शहद डाल के पिएंगे। और यदि किसी का वेट ज्यादा हो गया होगा उसमें नींबू डाल देंगे। क्या डाल देंगे? नींबू डाल देंगे, ठीक है, तो उसका वेट भी लूज होगा और उसकी स्टेमिना भी आएगी। और वो हम पी लेने के बाद में फुल फ्रेश हो जाएंगे और फ्रेश होके उसके बाद में आप ग्राउंड में, ठीक है। ग्राउंड में आने के बाद में अपने तन पर से तुरंत कपड़ा नहीं खोलेंगे। जो जैकेट पहना है, मफलर पहना है, जो पहना है उससे मतलब नहीं है, वो टोटल पहन के पहले हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे। क्या करेंगे? स्ट्रेचिंग करेंगे, हल्का फुल्का जो कराते हैं वो स्ट्रेचिंग कर लेंगे। उसके बाद में प्रॉपर वार्म अप करेंगे। क्या करेंगे? वार्म अप करेंगे। तो वार्म अप में आपको बताया गया किस तरह एक्सरसाइज करना है जो कराते हैं हम, तो वैसे करेंगे। और वार्म अप के बाद में हम लोग रनिंग के लिए तैयार होंगे। क्या करेंगे? रनिंग के लिए। उसके बाद में हमारा फुल बॉडी गर्म हो जाएगा तो हम वार्म अप खत्म होने के बाद में टोटल कपड़ा को हटा देंगे, जो पहन के दौड़ते हैं किट पे जो भी पहनते हैं उस रनर के लिए, वो अपना रनिंग के लिए तैयार होगा। और तुरंत तैयार होना है क्योंकि तुम्हारा पसीना सूखे नहीं, जो भी हम कराते हैं आप लोगों को तुरंत तैयार होना है तुरंत। इसका टाइमिंग कितना देते हैं हम? 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के अंदर में आपको रनिंग के लिए तैयार हो जाना है, लाइन अप हो जाना है, उसके बाद में आपको रनिंग करना है, ठीक है जी। रनिंग के पहले आपको खाना नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि खाना खा के आएंगे तो दौड़ेंगे, ऐसा कार्य को नहीं करेंगे, ठीक है। कभी भी खाना खा के हम रनिंग नहीं करेंगे। अंतराल खाने के 2 घंटा होना चाहिए, ठीक है। एक भी चीज बीट हो जाएंगे तो हम तुरंत इधर ध्यान चल जाएगा तो हम अपने रनिंग के पहले खाना नहीं खाएंगे, हाँ 2 घंटा पहले, ठीक है। रनिंग के कम से कम 2 घंटा पहले, क्योंकि हमारा जब तक पेट साफ नहीं रहेगा ना जब तक दिक्कत होगा। तो 2 घंटा पहले हम क्या करेंगे, खाना को खाएंगे। और रनिंग के पहले और क्या नहीं करना है, रनिंग को करते समय पूरा माइंड को केंद्रित आपको क्या करना है, रनिंग पर ही लगाना है। ये नहीं कि हम रनिंग यहां से घर पे जाए तो कहीं कहीं कुछ है। रनिंग के पहले एक और बात, किसी को ज्यादा सोचने की बीमारी हो, जैसे बार बार टेंशन उसके माइंड में कुछ कुछ चलता हो, तो रनिंग के पहले एक और हम काम करेंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन करके थोड़ा सा शांत ऐसे बैठ जाएंगे। इस मुद्रा, ध्यान मुद्रा इसको कहते हैं और ज्ञान मुद्रा, ये दोनों कहते हैं। इस पॉइंट को इससे दबाएंगे, इस पॉइंट को इससे दबाएंगे, ठीक है। जिसको मन चलफड़ रहता है, रनिंग के ट्रैक पर भी सोचता रहता है, वो ऐसे पोजीशन करके थोड़ा सा ध्यान, यहाँ ध्यान माता
बिंदी शास्त्री है वहां पे ध्यान को थोड़ा केंद्रित करेंगे, ठीक है। और दूसरा आपको करना है कि सांस को अपना रोक कर थोड़ा देर रखना है, जितना देर कैपेसिटी है, उसके बाद में पुनः धीरे धीरे छोड़ देना, फिर पुनः दो दान चार दान ऐसे एक्सरसाइज ऐसे करना है, पूरा ले लेंगे सांस ध्यान मुद्रा में और रोक के रखेंगे और धीरे धीरे छोड़ देंगे। ऐसे करके आप लोग वार्म अप के लिए तैयारी हो, ठीक है, रनिंग के लिए तैयारी। यदि किसको यदि मान लीजिए ज्यादा सोचता है और जो ज्यादा जिसको मतलब ब्रेथ सांस खुलती होगी वो व्यक्ति क्या करेगा ऐसे करके और सांस को थोड़ा देर रोक के रखेगा फिर छोड़ देगा धीरे धीरे, फिर थोड़ा देर रोक के रखेगा और धीरे धीरे छोड़ देगा। तो आप ऐसे कीजिएगा तो आपको ब्रेथ में थोड़ा सा प्लस मिलेगा। नेक्स्ट अभी हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं, बाद में हम आपको अच्छा से बताएंगे करना है। तो आपको रनिंग कैसे करना है, दौड़ना कैसे है, ऐसा नहीं कि हम आए और दौड़ गए, वैसे काम को नहीं करना। जब हम रनिंग के लिए तैयार होंगे, जब हम दौड़ने के लिए तैयार होंगे तो ट्रैक पर एक कुछ बातों को ध्यान होना चाहिए। क्या? पहली नंबर बात कि मेरा प्रॉपर ध्यान ट्रैक पर अपने चार राउंड के लक्ष्य पे हो, कितना चार राउंड अपने चार राउंड के लक्ष्य पे, फोर राउंड के लक्ष्य पे होना चाहिए, कम लक्ष्य होना चाहिए कि हमको चार राउंड मारना है। दूसरी नंबर बात किसी प्रकार की थी सोच नहीं होनी चाहिए, होगा कि नहीं होगा, नकारात्मक आपको थिंकिंग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, जब भी हम दौड़ेंगे लेफ्ट राइट दाएं ये सब नहीं करेंगे। मान लीजिए ऐसे बहुत लोग हैं दाएं बाएं घूमता है, ऊपर नीचे पीछे से आ रहा है, ये सब नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, केवल अपना टारगेट पर ध्यान देंगे और तब दौड़ेंगे। नेक्स्ट, आपका एंगल कितना होना चाहिए, 15 डिग्री और 30 डिग्री के एंगल में रनिंग होना चाहिए, कितना 15 से 30 डिग्री के एंगल में, ठीक है, आपका रनिंग होना चाहिए। आपका हैंड का पोजीशन क्या होना चाहिए, देखो पहला सबसे बड़ी बात है कि हैंड का पोजीशन, बहुत लोग है कि दौड़ता है तो हैंड का पोजीशन मायने नहीं रखता है, लेकिन यहां पे मायने है। जब भी हम जानते हैं कि रिले दौड़ दौड़ते हैं तो एकदम सीधा हाथ को करके दौड़ते हैं जी, है लॉन्ग दौड़ दौड़ते हैं तो हाथ को ऐसे करके करते हैं, ठीक है, करते हैं जी। तो हमारा रनिंग के जो मान लीजिए मेरा रिले दौड़ है आपका 5 किलोमीटर दौड़ है, 10 किलोमीटर दौड़ है, 25 किलोमीटर दौड़ है, 48.7 समथिंग दौड़ है, जो भी दौड़ हो, दौड़ के अनुसार आपको हैंड का पोजीशन होना चाहिए। जैसे अभी बताया कि रिले दौड़ दौड़ा जाता है तो सीधा एकदम ऐसे हाथ को रख के, 5 किलोमीटर दौड़ा जाता है तो हाथ को ऐसे ऐसे करके दौड़ा जाता है, क्योंकि हमको हाथ को रेस्ट चाहिए। यदि हम लगातार ऐसे खींच देंगे तो हम काफी तुरंत थक जाएंगे और तुरंत रुक जाएंगे, तो ऐसे सिचुएशन नहीं लाना, ठीक है। आपको हम ग्राउंड पे बताते हैं बार बार कि कैसे दौड़ना है, वैसे उस पोजीशन में दौड़ना है। नेक्स्ट, पैर का लैंडिंग कैसे होनी चाहिए, जब मेरा पैर उठे तो उसका लैंडिंग कैसे होना चाहिए। जब हम जानते हैं कि रिले दौड़ दौड़ते हैं तो हम पंजा पे दौड़ते हैं, ठीक है, इसको चेंगुर पे करते हैं, और यदि हम 1600 मीटर दौड़ते हैं, 2 किलोमीटर दौड़ते हैं, 3 किलोमीटर दौड़ते हैं तो हमको क्या 4 फुट रनिंग करते हैं, क्या करते हैं 4 फुट। 5 किलोमीटर दौड़ते हैं तो 4 फुट रनिंग करते हैं। 4 फुट रनिंग क्या होता है, पहले मेरा है सेकेंड 1 2 दूसरी उंगली हुआ,
दूसरे उंगली का हमारा एक पॉइंट गिरता है, जैसे मान लीजिए हम उठाए पॉइंट इतना पर उठ के और जैसे लैंडिंग करेगा तो ये सेकंड ऐसे होके फिर उसके बाद में उठ के ऐसे बनेगा, जो आपको बताया गया जी ग्राउंड में आपको प्रैक्टिकल करके बताया गया जी, वो ऐसे लैंडिंग करना। और यदि आप बहुत से रनर को देखिएगा फ्लैट फुट रनिंग करता है, फ्लैट फुट का मतलब है पूरा पंजा को ऐसे, तो ऐसे आप लोगों को रनिंग ज्यादा घुटना पे जख्म देती है, तो कोशिश करेंगे कि ऐसे लैट रनिंग नहीं कर। यदि ज्यादा दौड़ना होता है किसी को, मान लीजिए फुल मैराथन दौड़ना है, तब ऐसे दौड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप कितना देर तक इस पे लैंडिंग करेंगे, आप फुल मैराथन होगा तो इस पे आप दौड़ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन रिले दौड़ के लिए कम से कम आपको पंजा पे दौड़ना ही होगा, ठीक है। और जो नया धावक होगा वो कभी भी चेमूर का पहले यूज नहीं करेगा, पहले कोशिश करेगा फोर फुट रनिंग करने के लिए, इसलिए नहीं तो तुरंत थक जाएगा, तुरंत उसका सीट पे स्टार्ट हो जाता है, समझ में आया ना। जैसे ही चेमूर पे आप दौड़िएगा केवल, तो सीट पे ना आपको पकड़ने लगेगा, तो ये सब चीज से बचना है। नया को कैसे दौड़ना है, पुराना धावक को कैसे दौड़ना है, मीडियम जो है वो कैसे दौड़ सकता है, रनिंग का स्पीड पर डिपेंड करता है कि तुम पैर का लैंडिंग, ये नहीं कि हम जैसे मन तैसे दौड़ो, ठीक है। तो उस पोजीशन को आपको डाइट 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 बहुत बड़ा होती है डाइट, ठीक है, डाइट हम बाद में बता रहे हैं, ठीक, क्योंकि डाइट पर बहुत ज्यादा समय लगेगा। मूवमेंट पोजीशन बताती है, हाँ, प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है हम लोगों का, प्रॉपर रेस्ट मतलब ऐसा नहीं है कि हम हफ्ता में 7 दिन ही हम लगातार प्रैक्टिस करते रहे, नहीं, हम लोग हफ्ता में 6 दिन जैसे प्रैक्टिस करते हैं वैसे 6 ही दिन प्रैक्टिस करेंगे, 1 दिन क्या करेंगे रेस्ट करेंगे। और वो रेस्ट कैसा होगा, रेस्ट कैसा होगा, कहने का मतलब है कि उस दिन रेस्ट है तो थोड़ा मोड़ा हम योगा करा देते हैं, ठीक, और जो आपको ये सब बताते हैं संडे के दिन ही बताते हैं, तो ये संडे के दिन हो जाता है, तो आना जरूर है लेकिन आपको हार्ड वर्किंग नहीं करना है, हल्का सा ब्रेथ का माइंड का ये सब का थोड़ा योगा कर लेना है, कुछ मुद्रा कर लेना है, ठीक है, योगा और मुद्रा करके उसके बाद में ये सब जो बताते हैं करके चल जाना है, लेकिन आना जरूर है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी नंबर बात, जिस दिन हम रेस्ट होगा कोशिश करेंगे कि हम मोबाइल से थोड़ा दूर रहें, ठीक है, और उस दिन हम अपने पूरे बॉडी में अच्छे से बातचीत करके पूरे बॉडी को मसाज करेंगे। ऑयल होता है सरसों का, ऑयल सरसों का तेल जो होता है उससे हम पूरा क्या करेंगे, बॉडी को मसाज करेंगे धूप में कुछ देर, और धूप कैसा लेंगे, 12 बजे के बाद वाला नहीं, 10-11 बजे के पहले वाला हम धूप चाहिए, ठीक है, और ठंडा के दिन में 10 बजे के पहले वाला, भले गर्मी के दिन में 9 बजे के पहले वाला, जितना सुबह वाला, तो उसके पहले वाला हम धूप लेंगे, समझ में आ रहा है जी सर, उसके पहले वाला हम धूप लेंगे। नेक्स्ट रेगुलर रेगुलरलिटी हम मेंटेन करेंगे, हम जानते हैं कि आप जानते होंगे कि एक दिन आप नहीं आते होंगे तो अगला दिन 2 दिन आपको घट जाता है, क्यों, क्योंकि एक दिन तो क्योंकि हमारा वर्कआउट है कुछ अलग, क्योंकि हम हमेशा चेंज करके सिखाते हैं, आपका चेंज वर्कआउट चेंज रनिंग हर चीज चेंज रहता है, कुछ ना कुछ आप पर डे नया सीखते हैं, तो नया सीखिएगा कब, मान लीजिए कि हमारे न्यू सीखा है आप इस दिन नहीं है, तो इस दिन आप नहीं है और फिर एक उसके नेक्स्ट दिन आ रहे हैं, तो इस दिन का तो गया ही और सेकेंड वाला दिन भी इससे नहीं इतना नहीं किया होंगे तो अच्छा उतना अच्छा नहीं कर सकते, तो आपको 2 दिन का पीछे चले गए, तो इसलिए हमको रेगुलरिटी मेंटेन करना है। आप हम कहते हैं कि 4 राउंड हमको 10 मिनट में मारिए, 20 मिनट में मारिए 4 राउंड, उससे मतलब नहीं है, नया स्टूडेंट है मेरा
आज पहली बार मेरा ग्राउंड में आ रहा है तो चार रन हमको 20 मिनट पे मार के दे, उससे हमको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इस छात्र को चाहिए कि नियमित है, रेगुलर मेंटेन करे। जिस दिन रेगुलर मेंटेन करेगा तो 5 के या तो 5 के अंदर में आइए, लेकिन नियमित रहिएगा तब। क्योंकि आपको सबसे बड़ी बात है, रेगुलरिटी एक ऐसा वर्ड है, ये नहीं केवल फिजिकल में, हर चीज में, दुनिया के कोई भी कार्य करेंगे यदि रेगुलर करेंगे तो प्लस आपको होना ही है, बढ़ना ही है, कुछ ना कुछ उससे अच्छा जरूर करेंगे। ब्रूस ली कहता है कि हमको वैसे व्यक्ति से डर नहीं लगता है जो 50 तरह के वैरायटी, 100 तरह के वैरायटी का पंच जानता है। हमसे वैसे व्यक्ति से डर लगता है जो एक पंच को 10,000 बार किया हो, 20,000 बार प्रैक्टिस किया हो, वैसे व्यक्ति से हमको डर लगता है। वैसे व्यक्ति से कभी डर नहीं लगता है जो 5,000 का किक मारने के कला जानता है। अर्थात कहने का मतलब है, जिस चीज को बार बार रेगुलर कीजिएगा ना, उसमें आपको महानता मिलेगा ही। उसके कहने का मतलब यही है कि जो भी काम यदि रेगुलरिटी से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आपको कामयाब होना नेसेसरी है। क्यों नहीं होइएगा? रेगुलरिटी उसी का है। नेक्स्ट, सांस को कैसे ले, सांस को कैसे ले। हम जानते हैं एक 4 राउंड का ट्रेक होता है, तो सबको बताया है कि जब भी हम पहलका राउंड को क्लियर करेंगे तो हम सांस को नॉर्मल पोजीशन में लेंगे। जब भी हम कहीं भी हम दौड़ते हैं, 4 राउंड नहीं, 5 किलो, 10 किलो, जो भी दौड़ते हैं, पहले हम दौड़ेंगे तो स्टार्टिंग रिले दौड़ का स्टार्टिंग फास्टिंग से होता है। रिले दौड़ का स्टार्टिंग क्या चीज से होता है? फास्टिंग से होता है। एकदम जितना फोर्स एकदम ऊपर करके स्टार्ट कर दिए। लेकिन लॉन्ग दौड़ का स्टार्टिंग क्या होता है? स्लो से होता है। लॉन्ग दौड़ का स्टार्टिंग स्लो से होता है। तो हमको रिले दौड़ जब भी हम दौड़ेंगे तो हमारा स्टेमिना, पावर सब एक समान लगना चाहिए। लेकिन जब हम लॉन्ग दौड़ दौड़ते हैं तो क्या होता है कि हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, बॉडी को धीरे धीरे जगाते हैं। लेकिन जब भी हम रिले दौड़ दौड़ते हैं तो शुरू से ही फास्ट करके दौड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम जाके आगे काट देंगे। मान लीजिए कि आपको 100 मीटर का दौड़ है, आप इसमें काटने का जगह कहां छोड़े? एक ओम से पीछे हो गए तो आप पीछे हैं। इसमें माइक्रो सेकेंड मायने रखता है, माइक्रो सेकेंड मायने रखता है आपका। तो आपको इसमें चाहिए कि ना, शुरू से जो फोर्स उत्पन्न करके हम रनिंग कर रहे हैं उसी फोर्स लास्ट तक कर। ऐसा नहीं कि हम इसमें जाएंगे तो आगे काट देंगे। इसमें टाइम कहां है? 9 से 10 सेकेंड आपका टाइम है। इसमें क्या कर लीजिए? लेकिन यदि हम 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, यदि हम 5 किलोमीटर दौड़ते हैं तो क्या करते हैं? हम धीरे धीरे से स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे हमारी बॉडी खुलती है वैसे वैसे स्पीड में बढ़ जाती है। तो इसमें हम सांस कैसे लेंगे? यदि हम नॉर्मल है तो नॉर्मल तरह से सांस ले रहे हैं। यदि हमको काफी थकान हो गया, काफी हम थक चुके हैं, तो हम नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। यदि उससे भी ज्यादा थकान हो गया हो गए हो और मेरे मंजिल करीब है, 200 से 400 के डिफरेंट है, तो हम मुंह से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ सकते हैं। सांस ब्रेथ, सांस लेने का डिपेंड आपके रनिंग के ऊपर करता है, आपके शरीर के ऊपर करता है कि आप कितने थके हैं, आप कितने नॉर्मल हैं। यदि हम ये नहीं कहते हैं कि आप केवल सांस नाक से लीजिए, नाक से छोड़िए, नहीं, आपका पोजीशन कैसा है उस अनुसार सांस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि हम सांस कैसा हूं लेंगे, कैसा हूं छोड़ेंगे, नहीं, पोजीशन एक प्रायोरिटी के सांस पर नहीं करता है।
आपका शरीर का स्थिति क्या है, क्योंकि हमारे शरीर में जो फेफड़ा है, बहुत लोग सांस क्या करता है 50% से कम लेता है और तुरंत छोड़ता है। इससे क्या होता है, हम लोगों के अंदर भरपूर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं जाती है, जिससे हम लोगों का एक दर्द होने लगता है, फेफड़ा फूलने लगती है, सांस फूलने लगती है और क्या होता है, हम लोग रुक जाते हैं। तो हम रनिंग जब स्टार्ट करेंगे तो रुकने का तो नाम ही नहीं है, हम जानते हैं। हर बच्चे को यही सिखाते हैं, मेरा मंजिल यदि जब तक करीब वहां पर लाइनअप पर नहीं पहुंच गया, जब तक हमको रुकना नहीं है, भले हम कितने तेजी गति से जाए धीमे गति से, मंजिल करीब करके ही दम लेंगे, बीच में रुकने वाला एथलीट कभी हो ही नहीं सकता है। एक और बात समझ लीजिए, कोई भी इंसान सोचता होगा कि हम जाएंगे, काफी हमको एति हो जाएगा, हमको ब्रेक फूल रहा है, हमको सांस टूट नहीं, वो सब कुछ नहीं सोचना है, आपको केवल टू द पॉइंट टारगेट पर देना है कि हमको मंजिल करीब मिल जाए। तो सांस का पोजीशन अर्थात हम लेने के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है, हमारे बॉडी के ऊपर। यदि काफी हमारे सांस फूल रही है तो क्या करेंगे, हमारे काफी जब सांस फूलेंगे तो हम क्या करेंगे, सांस मुंह से भी लेंगे और मुंह से छोड़ भी सकते हैं। मीडियम में है तो हम नाक से लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे, नाक से लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। नॉर्मल होंगे तो नाक से ही केवल लेंगे, जैसे नॉर्मल दौड़ रहे हैं, ठीक है, और कोशिश करेंगे लंबा सांस ले और लंबा छोड़े, ठीक है। कोशिश क्या रहेगा मेरा, लंबा सांस ले और लंबा छोड़े, और यदि हम जैसे जैसे थक रहे हैं नाक से ले और मुंह से छोड़े। चलो उसके बाद में हम कितना सोएं, कम से कम 6 से 7 घंटा हमको प्रॉपर नींद हो, ठीक है, कितना 6 से 7 घंटा। यदि एक और बात सुन लो, जब भी हम बेड पर जाते हैं तो मोबाइल से पूरा दूरी बनाओ, मोबाइल से पूरा दूरी बनाओ, मोबाइल अपने आसपास मत रखो, आपको वहां पे जहां पे है ना वहां से 20 मीटर की दूरी पर रखो मोबाइल, अर्थात उस रूम से बाहर कर दो, ठीक है। नहीं भी है तो कम से कम अपने जहां पे आपका फेस पड़ता है, माइंड पड़ता है, वहां से 4 कदम दूरी जरूर होना चाहिए, कम से कम 3 से 4 कदम, क्योंकि इसमें से हमेशा तरंग दर्ज निकलता है, जो रेडिएशन निकलता है जो हार्मफुल होता है आपके लिए। आप जब भी सोए तो आपका माइंड फ्री हो, ठीक है, और नींद नहीं पड़ता है तो आसन हम आपको बता दिए हैं, ठीक है, वैसे सोइएगा तो ऑटोमेटिक नींद पड़ जाए, ठीक है, समझ में। तो हम बता दिए हैं, आसन संडे को दिन बताए थे ना, नींद लगने लगता है, आराम से नींद लग जाएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। पेन, दर्द ज्यादा लंबा हो गया, आप पानी प्रॉपर नहीं लेते हैं, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, फाइबर की कमी हो जाती है, जिसके कारण आपको क्या होता है, पेन स्टार्ट होता है, आपको दौड़ने का सही ढंग मालूम नहीं है, एक्सरसाइज आप उल्टा सीधा कर लेते हैं तो इस प्रकार से आपको पेन हो जाती है। एक और बात हम आपको बोले थे कि यदि कोई लड़का को दौड़ते समय पेट में दर्द स्टार्ट हो जाए तो उसको अपोजिट साइड क्या करना है, पॉइंट को ऐसे दबाते दौड़ जाना है, 10 कदम इको प्रेशर देंगे, उसके बाद में आपका पूरा दर्द खत्म, क्योंकि आपका पूरा बॉडी का जितना सिस्टम है ना ये बिजली बोर्ड है। यस सर जी, मान लीजिए मेरा पूरा लाइट जल रहा है, बिजली बोर्ड है इसका, यहाँ से बंद कर देंगे चालू कर देंगे, वैसे ही हाथ में पॉइंट दिया गया है, सबको आपको बताया है इको प्रेशर के लिए, ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट क्या है, यहाँ क्या है, सब बताया गया है, उस सबको आपको फॉलो करिएगा, आपका बॉडी का पूरा फंक्शन ठीक रहेगा। किट, किट का चुनाव क्या करें, जूता कैसा लें, उसके बाद में अपना किट कैसे पहने, अंदर पूरा डिप, पूरा इसको डिपली हम समझा रहे हैं। विटामिन सी आप लोगों के लिए अति जरूरी है,
खूब नींबू खाए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका इम्यूनिटी जो सिस्टम है उसको सही रखेगा, स्ट्रॉन्ग करके रखेगा। आप दौड़ते हैं तो शरीर में बैक्टीरिया जाती है, धूल कण उठता है, ये सब मतलब होता है, जिसके कारण आपके शरीर में बैक्टीरिया जाती है। आपका इम्यूनिटी पावर यदि अच्छा रहेगा ना तो उस पर वो हावी हो जाएगा और आपको बैक्टीरिया को अंदर ही अंदर मार देगा, जिससे आपको बीमार कम पड़ेंगे। इसीलिए विटामिन सी, शॉर्ट में बता रहे, विटामिन सी जरूरी है, विटामिन डी आपके बॉडी के लिए जरूरी है, कैल्शियम, कैल्शियम आपके हड्डी के लिए जरूरी है, जो दर्द होता है बार बार आप कैल्शियम लीजिए। अब बता रहे हैं हम इसके बाद में कि कैसे कैसे लेना है, ठीक है। और डी विटामिन डी रहेगा तो आपके हड्डी को स्ट्रॉन्ग रखेगा। प्रोटीन, प्रोटीन की भी कमी होगी तो आपको दर्द होता है, एक और बात ध्यान रखिएगा। फाइबर हो गया, आपको कार्बोहाइड्रेट और पानी इतना चीज का सेवन लेना है, डिटेल बता रहे हैं, इसको हटा दो। इस चीज को टोटल को फॉलो कीजिएगा ना तो आपको रनिंग 5 के अंदर टूटना ही है, इतना चीज कर लीजिएगा, समझ गए। यदि आप इस चीज को अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा तो टाइमिंग अच्छा आ जाएगा, ठीक है, आपका शरीर में प्रॉब्लम नहीं होगा। जो कहते हो ना कि सर दौड़ते हैं तो हमारी ये प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम होती है, ये चीज आपको नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है आपका डाइट यदि सही होगा ना, अभी डाइट के बारे में अच्छी तरह बता रहे हैं, डाइट यदि सही होगा ना तो आपको अनेक बीमारियां नहीं होगी, बीमारी हो भी नहीं करेगी, पेन नहीं होगा, जो आपको दौड़ते समय जो आपको तकलीफ में होती है वो आपसे दूर रहेगी, ठीक है। तो आप इस चीज को फॉलो कीजिए, ठीक सर।